वेलकम बैक पीएच आमी टू द चैनल, जहाँ पे आज एक बार फिर से अपन आ चुके हैं पोकेमोन ऑरेंज आइलैंड्स के अंदर। और लास्ट टाइम भाई अपन ने बहुत कुछ किया था, अगर तुमको याद ना हो तो भाई पिछला वीडियो देख के आना। तकरीबन 25-26 मिनट की अपन ने वीडियो बना दी थी, उसके अंदर अपने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। अपन मिले थे प्रोफेसर आईवी से, उनसे भाई जीएस बॉल लिया था, ब्रॉक वहाँ पे रुक गया था, अपन बलून से नीचे पैराशूट से लैंडिंग किए थे भाई। वो सब कुछ देखने के लिए भाई आपको लास्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, एंड उस एपिसोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके देख लेना। बाकी एक और बात, आप में से काफ़ी सारे लोग भाई इस गेम को डाउनलोड करके खेलना चाहते हो कि मेरे साथ, तो उन सभी लोग के लिए भाई मैंने इस गेम को टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग भाई डाउनलोड करना चाहते हो, जाओ सीधा टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई एड्स नहीं आएंगी, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली टेलीग्राम पे भाई आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। बाकी तो ठीक ही है सब, आप खेलो मेरे साथ और मैं तो खेल ही रहा हूँ। बाकी गाइस आज अपन को गेम को सिंपली आगे कंप्लीट करना है और देखना है क्या होता है आज अपने साथ। वैसे हमको ऑरेंज आइलैंड का सब कुछ तो पता ही है, बट मैं ये देखना चाहता हूँ इस गेम के अंदर कितने वेल तरीके से मतलब उस चीज़ को प्लान किया गया है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया गया भाई गेम के अंदर। ओके यहाँ पे बड़ो लोग आए, वेल हेलो दे, डेजर्टेड आइलैंड, यू आर टॉकिंग लाइक द गर्ल वी जस्ट रेन इनटू। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट अ डेजर्टेड आइलैंड, दिस इज़ अ पोकेन पार्क ऑन टैंगुलो आइलैंड। इफ़ यू वॉक अ स्मॉल डिस्टेंस वेस्ट ऑफ हियर यू विल बी इन टूरिस्टी टैंगुलो आइलैंड। वेल इट वॉज नाइस मीटिंग यू, वी आर गोइंग बैक टू द सिटी। ओके चलो यहाँ पे हम लोग चलते फटाफट। ओके यहाँ पे पोके वाले, अरे भैया कौन है, बलवस और भाई वाइल्ड में मिल गया, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, बट ठीक है चलो अपन चलते आगे फटाफट। आ जा भाई अपन आगे का जर्नी करेंगे, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर, ओवर देयर मतलब यहाँ पे मिस्टी है। और यहाँ पे देखो लैप्रेस को, ये वो वाला सीन है भाई जिसमें मेरे को लगता है ना कि लैप्रेस को बच्चे लोग मिल के परेशान करें, और अब अपनी हीरो वाली एंट्री होने वाली है। हे व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग टू दैट लैप्रेस। ओके अपन आगे भाई, दे आर हर्टिंग दैट लैप्रेस एस यू हैव टू डू समथिंग। ओके हमें कुछ करना पड़ेगा, तो अब तो देखो हम क्या करते हैं। हे डिडेंट यू हियर वॉट सी सेड, यू आर हर्टिंग दैट लैप्रेस, हु आस्क योर ओपिनियन, या दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, वी डोंट नीड एनी लिटिल ब्रांड्स लाइक यू टेलिंग अस हाउ टू हैंडल अ पोकेमोन, वी आर गेटिंग रेडी टू कम्पीट इन द ऑरेंज लीग। ये वो जगह है भाई जहाँ पे एस को एक्चुअली पता चला था कि भाई ऑरेंज आइलैंड्स में भी कुछ ऑरेंज लीग जैसा कुछ नाम हो, और भाई एस ऑरेंज लीग जीता था, बट फिर भी भाई ये चीज़ कोई कहीं पे ध्यान नहीं देता भाई, कोई मतलब पूछता ही नहीं भाई, ऑरेंज लीग की इज्जत नहीं है भाई, ऐसा क्यों यार, थोड़ी तो इज्जत होनी चाहिए भाई। ऑरेंज लीग का भाई जो फाइनल बैटल हुआ था ड्रेक के खिलाफ, वो काफ़ी कमाल धमाल था भाई, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। बाकी कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड वॉट यू आर कम्पीटिंग इन, बट दैट इज़ नॉट द वे टू ट्रीट अ पोकेमोन, इन दैट केस प्रिपेयर टू बैटल। ओके तू भूल गया भाई, मेरे पास चार्ज आ रहे और मेरी बात भी नहीं मानता हूँ, मेरे को लगा झूठ है भाई, अब ऑरेंज आइलैंड्स के अंदर ही मेरी बात मानने लगेगा, बट आई डोंट थिंक इस गेम के अंदर मानता कि नहीं, आई डोंट नो भाई, एक्चुअली में मानना चाहिए भाई, इससे मज़ा आ जाएगा अगर वो बात मानेगा तो, बट अगर वो बात मानेगा तो वाला इवेंट नहीं हो पाएगा ना, मतलब जिसमें वो पॉलीवेल से हारता है, फिर हम लोग उसके लिए एकदम जी जान से मेहनत करते फिर बात मानता है, तो वो सीन होगा तो और मज़ा आएगा। बाकी हिटमॉन चैन को हराने के लिए हमें सच में एक फ्लाइंग टी पोकेमोन भेजना चाहिए, और यहाँ पे मैं चार्जर को यूज़ करने की सोच रहा हूँ, देख रहे हो चार्जर भैया, बात मान लेना। ओके बात मान रहा है भैया, तो बढ़िया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। ओके इसको भी हमने हरा दिया, बेल्ट चैम्पियन। नेक्स्ट सब कौन है, टीमर मॉट हु लाइक टू बैटल। ओके आज अभी बिड्रिल, मेरे को लगा चार्जर पहले नंबर पर, बट नहीं है, पिकाचू हरा दिया उसको, चांसेस कम है, बट हाँ एक और अटैक लग गया तो अपन जीत सकते हैं। अरे यार पॉइजन से गंदा वाला बचा है, ओह हो गए, अपन नहीं जीत पाएंगे, मतलब पिकाचू नहीं हरा पाता उसको, ये बात था, स्क्वाडल से मारेंगे इसको। चल भैया स्क्वाडल टैकल ही मार दें, जीत गए चलो। ओके एक लेवल अप हो गया, और मतलब डेढ़ लेवल का इसको पॉइंट मिला, मतलब डेढ़, हाँ डेढ़। वी आर आउट ऑफ फ्यूर, नो वंडर यू वॉन्ट दोज बैटल्स, और ट्रेसी है भाई ये तो, ट्रेसी हाँ, यू पोकेमोन आर मच हेल्दियर दैन दिस, दिस लैप्रेस लुक्स रियली हर्ट, वी हैव टू गेट इट टू नर्स जॉय, कैन वन ऑफ यू टू हेल्प मी, आई विल। ओके लेट्स रीड टू द पोकेमोन सेंटर ईस्ट ऑफ यू, तो यहाँ पे ये लोग पोकेमोन सेंटर गए, एंड मुझे पोकेमोन सेंटर फटाफट फाइंड करना पड़ेगा, कहाँ पे है पोकेमोन सेंटर, ये तो पोकेमार्ट है आस पास ही होगा, वेल ये इसके पी सिम मॉल है और यही शायद से पोकेमोन सेंटर है, अंदर घुस के देखते हैं। अच्छा यहीं पे भाई, ओ हाय अगेन, थैंक्स फॉर सेविंग लैप्रेस फ्रॉम इट्स स्कम, इट इज़ डूइंग बेटर ऑलरेडी आफ्टर ट्रीटमेंट फ्रॉम नर्स जॉय,
देखो नर्सरी काफ़ी अच्छी है भाई, वो टुकड़े फुकड़ी पोखो इनको भाई एकदम अच्छा एकदम अच्छी हालत में ले आती है भाई। काश वो मेरा भी इलाज करती। ओह हो, मैं रोज़ बीमार होने को तैयार रहता। ओके, लैप्रेस प्रोबेबली गॉट सेपरेटेड फ्रॉम इट्स हर्ड ड्यू टू अ स्टॉर्म। ओके, समुंदर के कारण वो अपने झुंड से अलग हो गया। ठीक है, इट्स करंटली रेस्टिंग इन द बेसिन बिहाइंड द पोकिंग सेंटर, बट आफ्टर द एनकाउंटर विद दैट स्कम इट इज़ अफ्रेड टू हैव कॉन्टैक्ट विद पीपल। नो वंडर आफ्टर द वे दोज गाइस ऑन द बीच हुल ट्रेडेड। आई होप देर इज़ अ वे टू मेक इट ट्रस्ट पीपल अगेन। Forgive me, I didn't even mention my name yet. My name is Tracy, I'm a Pokemon Watcher. Pokemon Watchers travel the world to study all kinds of Pokemon, to study their characteristics and abilities. But enough about me, let's promise each other one thing. To get that Lapras back to its herd, maybe you should check it outside to see if there is something you can do. Okay, तो Lapras भाई Pokemon Center के just पीछे ही है। पीछे एक्चुअली मैं बाजू में भाई, मतलब पीछे में तो सीधा इधर होता, बट ये थोड़ा बाजू में, पीछे और बाजू दोनों में भी है। तो यहाँ पे अपने इसे बात करके देखते हैं, मैं भी अपनी बात ही समझ जाए और समझ जाए तो अच्छी बात है। कम लैप्रेस, व्हाट्स गोइंग इन यू ऑन इन योर माइंड, हाउ कैन आई टीच यू। फिर यहाँ पे जेसी और जेम्स आ चुके हैं भाई, पूरी टीम रॉकेट टपक चुकी है। अब भाई सच में यार ये लोग ट्रबल करने आए भाई। प्रिपेयर फॉर ट्रबल, मेक इट डबल टू प्रोटेक्ट ऑल वर्ल्ड फ्रॉम, वैसे तो प्रोटेक्ट क्यों बोलता है भाई तेरे को, तो मतलब तू प्रोटेक्ट काहे को बोलता है मेरे को ये समझ में नहीं आता। टू यूनाइट ऑल पीपल विद इन अ नेशन टू, अरे ठीक है ना, डायलॉग बहुत है। दिस इज जेम्स, टीम रॉकेट ब्लास्ट ऑफ एट द स्पीड ऑफ लाइट, सरेंडर नाउ, प्रिपेयर टू फाइट। मियॉट्स, दैट राइट। ओ नो, नॉट योर गेन, डू यू इवन फॉलो अस टू द ऑरेंज आइलैंड्स। डोंट वरी, वी आर जस्ट हियर टू कैप्चर इट लैप्रेस, वी थिंक अवर बॉस विल बी वेरी प्लीज्ड विद इट। लैप्रेस डर के पीछे जा चुका है। As that Lapras went through enough already. Well, if you won't let us capture it, we have to get it by force. वैसे फोर्स लगा लूँ तो मैं भी फोर्स लगाऊंगा, बिकॉज मेरे पास 4000 है, 4000, समझ रहे हो, कॉन्फिडेंस तो भरा पड़ा है भाई। चल भैया टॉरस, तू दिखा कुछ कमाल अपना, तेरे को लाया है हमने टीम में तो तू थोड़ा तो कमाल दिखा भाई, कुछ तो कर। और टेल भी अपनी, मैं हॉर्न अटैक मारना चाहता था बट नहीं मार पाया, अब मारता हूँ। अरे वाह, क्या गंदा लड़ा मैं दिया यार, ये ले ख़त्म यार, बढ़िया एकदम। वीजिंग तू भी हॉर्न अटैक ही खा, तेरे को थोड़ा कम डैमेज पड़ा, चलो कोई बात नहीं, तेरे को 4000 संभालेगा। 4000 भाई ये फायर स्पिन का चक्र नहीं बना ना, उसमें घूम घूम के। ओके बनाया, मिस हो गया भाई एक बार, चलो कोई बात नहीं, अब की बार एम्बर। अरे बहुत ही अच्छा, अरे भाई दो लेवलअप हो गए एक साथ, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही होना चाहिए भाई, ऐसी चीज़ तो अच्छी लगती है हमको। अब भाई लिखे टंग चाट मत यार, तेरे लार वार लग जाएगा यार, क्या यार तू भी चाट भी मत भाई, कहीं लार वार लग जाएगा, हम लोग ऐसे गिल्ले गिल्ले, चार साइड पूरा गिल्ले गिल्ले लगेगा भाई, बांस मारेगा भाई। नहीं नहीं नहीं, इतना गंदा सीन नहीं होना चाहिए। चल भैया चार साइड एक और एम्बर मार दे, बस बस तू छुआ दे एम्बर, बस अपन जीत जाएंगे। अबे अटैक क्यों मिस हो रहा है भाई तेरा, बस छुआ दे भाई, टच करवा दे। अरे वाह, छुआ दिया ना, आखिरकार छुआ दिया, अपन जीत गया, लेवल 13 हो गया। चार्जर्ड ऐसे ही तरक्की करते रहो, दो तुम्हारे ट्रेनर का आशीर्वाद तुम्हारे टकली के ऊपर। हाँ ठीक ही आशीर्वाद दे, मैंने विक्ट्री बेल तो गयो। अरे यार जाने के लिए अटैक लगना चाहिए, बट वो शुभ काम हो नहीं पा रहा ना यार, ये दिक्कत है। फेंट हो जा भाई, प्लीज़ फेंट हो जा। अरे वाह वन हिट, बहुत बढ़िया। अरे लेवल 14 एक, अरे भाई तुम टीम रॉकेट आते रहो भाई, ऐसे हार के जाओगे तो फिर मेरे बोगन का अच्छा डेवलप होगा। टीम रॉकेट इज ब्लास्टिंग ऑफ अगेन, इट सीम्स लाइक लैप्रेस ट्रस्ट यू नाउ एंड अपेरेंटली इट वांट्स टू जॉइन योर पार्टी, वुड यू लाइक टू टेक लैप्रेस विद यू, यू हैव नो रूम फॉर इट। ओके गाइस, यहाँ पे अपन को ना मतलब अपनी टीम में एक जगह बनाना पड़ेगा जिससे अपन लैप्रेस को अपने साथ लेके जा सके। आई थिंक यहाँ पे बोकन सेंटर है, बट उससे पहले एक बार हीलिंग करा लूँ। कुछ पोकेन फेंट हुए, कुछ की हालत ख़राब हुई है, सब अभी एकदम हंसते खेलते हो गए। तो यहाँ पे अभी अपन को ना निकालना पड़ेगा, आई थिंक मैं निकाल दूँ मग को, बिकॉज मग एक्चुअली मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहा उतना, एंड मग का जो टाइपिंग एडवांटेज ना वो ग्रास के अगेंस्ट में, और ज़्यादा मैं उसको यूज़ नहीं कर पाऊँगा, तो इसके लिए मैंने उसको डाल दिया। बाकी निक नेम कुछ नहीं दूंगा भाई, ऐस ने कुछ नहीं दिया तो मैं क्यों दूँ। ओके चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। हम मे आई शुड लेट मिस्ट्री एंड ट्रेसी नो आई
टुक लैब प्रेस विद मी। अच्छा ये बात है क्या, बताना पड़ेगा उनको। आई थिंक मेरे को पहले ट्रेसी को बताना चाहिए, नहीं पहले मिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। मिस्ट्री अपने लिए गुड लक है। टेकिंग लैब प्रेस विथ यू टू हेल्प इट गेन ट्रस्ट इन पीपल अगेन इज अ ग्रेट आइडिया। सही बात है। सो यू गेन लैब प्रेस ट्रस्ट, दैट्स ग्रेट। आई थिंक दैट इज अ गुड वे टू लेट इट रिकवर। That's come was training it to compete with the Orange Crew. You might have already heard of it. It's a group of gym leaders around the Orange Archaeology. In order to compete in the Orange League, trainers needs to defeat every member of the Orange Crew. Orange Crew के सभी members को हराना पड़ेगा Orange League को challenge करने के लिए. And basically इसमें चार ही gym हैं, तो फिर मज़ा आएगा उसको complete करने में. You want to compete in the Orange League as well. देखो Pokemon company वाले ने कुछ नया try किया था भाई Orange League को introduce करके, because उसमें चार ही gym थे, बाकी सब जगह 8-8 होती। तो ऐसा कुछ उनको आज के साथ अभी भी करना चाहिए ना, आज को ख़त्म करने से अच्छा ऐसा कुछ करना चाहिए, बट उन्होंने कुछ किया ही नहीं, सीधा जर्नी एंड कर दिया आज की। ये मेरे को थोड़ा सही नहीं लगा, बट ठीक है कोई बात नहीं। वेल इफ देयर इज़ नथिंग एल्स यू शुड बी डूइंग, आई डोंट सी एनी रीज़न नॉट टू। यू आर रनिंग एन एडमिट फॉर प्रोफेसर ओक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोकेमॉन एक्सपर्ट्स इन द एंटायर वर्ल्ड। वेल इट्स एन ऑनर टू मीट पीपल हु नो वन ऑफ माई आइडल्स। I hope one day I get a chance to meet him in person. If I may give you advice, maybe you should phone call Professor Oak. Maybe he thinks competing in the Orange League is a good challenge for you. Okay, phone call इसने करने को बोला भाई Professor Oak को, चलो अभी try कर लेते हैं। Phone call, select phone call. हाँ Professor Oak को। Hello. Oh hi Ash, nice to hear from you. So how it's going? Good good, no complaints. You want to compete in the Orange League, you say? Well, I think it doesn't matter what I want you to do. When something like that gets in your head, there's nothing that can stop you. Well, if that is what you want, you can have my blessing. But remember, I will really appreciate it if you found some time to bring me the GS ball. Well, it was nice talking to you, as call me if anything comes up. See ya. ओके भाई, तो फ़ोन कॉल हो गया, उन्होंने सिंपल सा भाई हमें बधाई दे दी है, मतलब कांग्रेचुलेशन आशीर्वाद दे दिया है, ब्लेसिंग्स दे दिया भाई, तो अब अपना आगे बढ़ सकते हैं, बाकी इससे बात करते हैं। वन ऑफ द ऑरेंज आइलैंड्स जिम इज ऑन मिकान आइलैंड नॉर्थ ऑफ हियर। ओके, मिकान आइलैंड के ऊपर पहला जिम है, नॉर्थ मतलब ऊपर साइड में, एंड बेसिकली हमें लैब प्रेस का यूज़ करके जाना पड़ेगा, बिकॉज अब सर्फ वैसे बेसिकली इसके पास सर्फ ही नहीं हो, देखने दो वो ना दो चाहिए भाई। हाँ सर्फ है, अब अपन यहाँ से सर्फ करके जा सकते हैं। और एक ये भी सिस्टम अच्छा है कि अपन को एक दो जिम को जीतने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली अपन सर्फ यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। थोड़ा आगे बढ़ते, ओके ये क्या है, अच्छा बैनर पढ़ना है मेरे को। टैंगिलो आइलैंड मिकन आइलैंड ऊपर है, मिकन ही है ना उसका नाम, मिकन आइलैंड। ओके यही है क्या मिकन आइलैंड, यही है भाई मिकन आइलैंड, ट्रॉपिकल एंड पीसफुल पैराडाइस। ओके चलो बढ़िया, ट्राई करते अगर जिम मिल जाए तो आज ही बैटल कर लेते ना यार। ओके मिकन जिम, ओके ठीक है यही है। ओके यहाँ पे अपन आ चुके हैं मिकन आइलैंड की जिम में, जिसमें अभी अपन को कुछ ट्रेनर को हराना पड़ेगा शायद। ओके अब मैं देखो सबसे बैटल क्यों कर रहा हूँ पता है मैं, बिकॉज मेरे को अपने पोकेमॉन का लेवल अप करना चाहिए, सब बहुत कमजोर है यार। देख लो यहाँ पे इसके पोकेमॉन का लेवल 15 है भाई, अपना सिर्फ 4015 लेवल का हुआ है, एंड 4000 भाई अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ 5D पोकेमॉन। और यहाँ पे वाटर टाइप जिम है, पिटने वाले अपन गंदा। पिकाचू और बल्बसॉर की ट्रेनिंग होनी चाहिए, कम से कम ये लोग 15-16 लेवल के हो जाए, बिकॉज 15 लेवल तो ये स्टार्टिंग में आ रहा है। जिम लीडर के पोकेमॉन ऑलमोस्ट भाई 19-20 लेवल के हो जाएंगे ऐसा मेरे को लगता है, पता नहीं मेरा प्रेडिक्शन कितना सही होगा, बट अक्सर मेरा सही होता है भाई, इतना तो गलत नहीं होता मैं। चलो अरे यार टेंटक रूल की टाइपिंग क्या है भाई, वाटर टाइप होके फेंड नहीं, अच्छा वाटर पॉइजन होगा इसका। वाला एपिसोड भी सही था यार, जिसमें टेंटाक्रोल बड़ा हो जाता, मतलब देख रहे हो बड़ा होके। मिस्टी क्या मस्त पोज मार के यार, क्या मस्त मनाती है उसको यार, देख के मतलब सब फैन हो गए थे मिस्टी के। चलो खंबे पे एकदम चढ़ के रुक जाओ टेंटाक्रोल काफ़ी सही सीन था यार, मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया था उसको देखने में। मिस्टी भाई इतना ऊपर चढ़ गई, मैं तो ये सोच रहा हूँ इतनी पतली यार, हल्का सा हवा का झोंका था ना पक्का उड़ जाती, बट छोड़ जान दो, अच्छा वहाँ नहीं उड़ी यार, काफ़ी लोगों का दिल टूट जाता। बल्बसॉर तू चल यार, दिल दिमाग मत तोड़, बल्बसॉर से फेंड हो जा भाई।
ओके अरे यार फेंट होने बोला था, फेंट करने नहीं, क्या सुन लिया था भाई इसने, कान में कुछ डाल के बैठा गया भाई। हाँ ट्राई कर थोड़ा सर्फ मार। ओके सर्फ काफ़ी अच्छा दे रहा है, वाटर वर्सेस वाटर, वाटर के ऊपर सर्फ काफ़ी अच्छा डैमेज दे रहा है, बढ़िया बात है अपने लिए, अच्छी बात है भाई। वाटर गन सिखाना पड़ेगा ना यार, वाटर गन नहीं सिखाएंगे तो क्या सिखाएंगे, वाटर गन सिखाने का और आगे बढ़ने का। चलो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने दो ऑलमोस्ट नहीं, दो लोग को हरा दिया, ये तीसरा बच्चा है, बच्चा बच्ची जो भी है क्या फ़र्क पड़ता है, इक्वालिटी है, बच्चा बोलो बच्ची बोलो सबको मिलने वाला तो बराबर ही चीज़ है। इक्वालिटी बहुत ख़राब चीज़ है पता है, ऐसे तुमको लगता होगा ना, बट ये लोग प्रूफ करने पे तुले हुए, तुमको लगता है कि नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता बहुत। देखो इक्वालिटी का एक मतलब है कि इक्वल रहना चाहिए, बट उसको इतना नहीं गलत इस्तेमाल करना चाहिए कि किसी का गले काटने लगो, छोड़ जान दो। ओके चलो ठीक है, वेल एक और बचवाए, एक लड़की गई है एक छोकरा भी है, इसको बोलते हैं ना इक्वालिटी। चलो यहाँ पे 64 फायर स्पिन मार, मैजिक आप क्या ही मारेगा सिर्फ भाई उड़ने, टैकल मारता बे पता नहीं था मेरे को भाई, सिर्फ स्प्लैश मारता ना कुछ कुछ गेम्स में, तो पुराने गेम्स से उसमें सिर्फ स्प्लैश मारता कुछ नहीं करता ही, बट नए गेम्स में क्रिएटर लोग थोड़ा उसको टैकल वगैरह सिखा के रखे। चलो बढ़िया है भाई, अपन ऑरेंज लीग के चैंपियन बनेंगे। वैसे ऑरेंज लीग को कभी मैंने अपने चैनल पर नहीं खेला पर्सनली बताऊँ तो, और मैंने वैसे भी नहीं खेला भाई ऑरेंज लीग को ऐसे किसी गेम में, तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। ऑल दो गेम काफ़ी पुराना है बट ठीक है यार, मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं खेलूँगा भाई, बाकी तुमको भी अच्छा लग रहा होगा पता नहीं। चलो जान दो क्या करना है भाई, तुमको पसंद आए या ना आए, मेरे को तो आ रहा है ना मज़ा, मैं तो खेलने वाला भाई। चलो यहाँ पे अरे फेंक जा भाई, तेरी भैंस की टांग कितना रिकवर मारेगा भाई, मेरे को यही गुस्सा आता है हट, इतना मुश्किल से मैं लैपेस तो आ जा भाई, इसका बस का नहीं है। वाह देखो देखो पूरा रिकवर कर लिया, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, वो आइडिया ये कि इसको मतलब सिंग करके सुला देते हैं, सो जाए बस, अब तो मज़ा है, अब तो ये फेंड होगा, अब तो नहीं कर पाएगा रिकवर, अब नहीं कर पाएगा। अबे 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 व्हाट द हेल मैन, ऐसा थोड़ी होता है, अबे मतलब ये क्या है भाई, ये उठा ले रे बाबा, इसको उठा ले तू, ये कैसा आदमी है, नालायक मंद बुद्धि बेकार बुद्धि, अरे मत यार ये क्रिएटर लोग ऐसा क्या बोलूँ यार, जाने दो कुछ बोलने का भी नहीं है, अभी कुछ बोल दूँगा तो फिर जाने दो। चलो ठीक है, नहीं क्रिएटर लोग ऐसा नहीं करना चाहिए यार कोई भी गेम में, बहुत इरिटेट हो जाते भाई ट्रेनर लोग, मेरे जैसे बंदे तो बहुत इरिटेट हो जाते, मतलब दिमाग ख़राब होता है भाई, मरना है तो मरना क्यों तड़पा के मर रहा है भाई मारने वाला भी बेचारे को उसको तड़पा रहा है यार, वो भी तेरे को मारने के बाद फिर और रोएगा हाँ नहीं तो यार अबे दिमाग ख़राब करके मरने टाइम पे शांति नहीं है, मारने वाले का दिमाग ख़राब कर रहा है भाई हाँ नहीं तो यार चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन हील करा लेते हैं उसके बाद फिर से आते हैं। ये रहा पोकी सेंटर, चल अंदर घुसना भाई। ओके नज़ जो कैसे हो, नज़ जो काफ़ी अच्छी, फ्यू सेकंड्स में हमारी पोकन को हील कर देती और अपन वहाँ से वापस चले जाते, किसी दिन नज़ जो के लिए गिफ्ट लेके जाएंगे, बट दिक्कत ये ना कि नज़ जो गिफ्ट लेंगे नहीं तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे, और हम भाई पैसे बर्बाद करने में बिल्कुल यकीन नहीं करते, तो हम गिफ्ट ही नहीं लेके जाते, दैट्स द पॉइंट। हाय देयर आई एम किसी द ऑरेंज क्रू मेंबर ऑफ मिकन आइलैंड, इफ़ यू वॉन्ट टू विन द कोरल आई बैच यू विल हैव टू बीट मी इन पोकेमॉन बैटल, वॉट अगेन चैलेंज वेव रेस, डोंट बी रिडिकुलस, वॉट विल दोज चैलेंजेस, टेल मी अबाउट योर क्वालिटीज, आई स्पोकन ट्रेनर, आई थिंक वी डिड इनफ टॉकिंग, लेट्स बैटल। वैसे मैम आपने कुछ चैलेंजेस बोले तो आप ये बैटल क्यों करने लगे वैसे, वेल आई थिंक मैं गया बिकॉज मेरे पोकेमॉन भाई उस लेवल के नहीं है कि इनकी पोकेमॉन से बैटल कर पाए, इनके पोकेमॉन का लेवल 30-20 है, अपना 10 है भाई, सीधा डबल का भाई, सीधा डबल है भाई, अरे अपन जीत सकते अभी भी यार, नहीं जीत सकते यार कैसे जीतेंगे, चलो कोई बात नहीं ट्राई कर सकते अपन फिर भी। 40 कैसे भेज दिया मैंने गलती से, सब चीज़ मैं गलती से करता हूँ, जानबूझ के कुछ नहीं करता, मेरे को लगा ही था ये जाएगा, चले भी गया।
स्क्वाटल भैया कुछ करियो बस, एक टैकल मार दे बस, एक एक से कुछ नहीं होगा, कम से कम दो तीन मार, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, मैं हार मानता हूँ, ये सच में अब कुछ नहीं हो पाएगा भाई, रियली अब अपने पास कुछ नहीं बचा खेलने को। बल्बासोर ने इसको थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया, थोड़ा नहीं बहुत डैमेज दे दिया था, बट उसके बाद से कोई ऐसा पावरफुल हिट मार ही नहीं पाया इसको अपन, जिससे इसको फेंट कर पाए, और अब ये अपना अटैक मिस करवा करवा के अपन को फोड़ेगा। बबल मारते और लगेगा भी नहीं, अब अटैक सब मिस होंगे। स्मोक सीन उसने काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पैम किया उस टाइम पे, तो उसका फ़ायदा उसको कंटिन्यूस मिलने वाला है। अपन भी सर्फ मारेंगे। वेल अगर देखा जाए, अगर अपन आज हार भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज अपन गंदे मार्जिन से हारने वाले नहीं है, मतलब समझो उसके भगवान का लेवल 20, अपने भगवान का लेवल 20 होता फिर अपन हारते तो गंदा बीजी होता, बट अपन भाई कमज़ोर है यार, मतलब अगर समझो एक 18 साल का लड़का वो 10 साल की लड़की को मारेगा, तो 10 साल की लड़की की क्या इज्जत खराब होगी यार, सबको पता है वो छोटा है पिटने वाला है, बट अगर वही 18 साल का लड़का 18 साल की लड़की को मारेगा तो फिर जो मार खाया उसकी तो इज्जत जाएगी ना यार, बिकॉज तूने एक ही उम्र की, तू मार कैसे खा गया बे, ऐसा सीन हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी अपने से छोटों को मारो, अगर वो हार भी जाएंगे तो बेचारों की इज्जत तो नहीं ख़राब होगी, कम से कम उल्टा सिंपथी मिलेगी उनको। अब ये देखना ये कि तुम एक दो चमाट ना खा बैठो, ना तुमको तुम्हारी जिद पक्का ख़राब होगी। ठीक है गाइस, वैसे झगड़ा करना काफ़ी बुरी बात है तो कभी करना मत, मुझे बस ऐसे फन में बोल दिया था। ठीक है, बाकी गाइस आज की वीडियो कैसे लगी आप सभी लोगों को मेरे को कमेंट करके बता देना। आई होप भाई आप लोग को अच्छे लगे आज की वीडियो, मतलब अपन ने लैपटॉप को बचाया, उसको अपने साथ लेके आया और पहले जिम में अपन हार गए, बट लेवल का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, तो उसको भाई सीरियसली मत लेना, अपन नेक्स्ट टाइम पक्का जिम लीडर को हरा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस आज की वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को भाई ये गेम डाउनलोड करके खेलना है तो टेलीग्राम चैनल पर जाके चेकआउट करो, गेम की लिंक आपको, गेम की लिंक नहीं, गेम की फाइल पूरी मिल जाएगी, आप वहाँ से एक क्लिक में डाउनलोड कर पाओगे। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, कल मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय आप सभी को एंड हैव अ गुड डे।